नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष को लेकर। और बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वह है हिंदी का शिक्षण शास्त्र को लेकर। और हिंदी के शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हम जिस इकाई के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं वह इकाई है प्रथम, जो हिंदी में हिंदी शिक्षण के मूल्यांकन को लेकर है कि हिंदी शिक्षण का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाए। और इसी प्रथम इकाई हिंदी शिक्षण के मूल्यांकन के अंतर्गत हम जिस प्रकरण के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं आज के इस व्याख्यान में वह प्रकरण है मूल्यांकन की विशेषताएं। मूल्यांकन की विशेषताओं को लेकर साथियों हमने पूर्व के वीडियो व्याख्यानों में भी हमने चर्चा की है। तो साथियों, आज के इस वीडियो व्याख्यान में भी हम इस बात पर चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे पहले हमने चार मूल्यांकन की विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर लिया था और शेष रही जो विशेषताएं हैं उनका अध्ययन हम आज के इस वीडियो व्याख्यान के माध्यम से पूर्ण करेंगे। तो साथियों, पांचवी जो मूल्यांकन की विशेषता है वह पांचवी जो विशेषता है मूल्यांकन की वह है व्यापकत्व। व्यापकत्व का मतलब होता है, व्यापक शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है साथियों वह होता है एक संपूर्ण क्षेत्र में या एक पूरा संपूर्ण अपने आप में संपूर्ण, एक पूरा संपूर्ण मतलब पूरे क्षेत्र को कवर करने वाला, पूरे क्षेत्र को में व्यापक, उसको बोलेंगे व्यापकत्व। अब बात चल रही है शिक्षा की और शिक्षा से जुड़े हुए मूल्यांकन की, तो वहाँ पर मूल्यांकन के संदर्भ में हम व्यापकत्व का अर्थ संपूर्ण शिक्षा संबंधी विषय, संपूर्ण शिक्षा संबंधी विषय को यहाँ पर लेते हैं। संपूर्ण शिक्षा संबंधी विषय का मापन इसको लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो हमारे पाठ्य वस्तु है, जो विषय वस्तु है उसका संपूर्ण को लेकर हमें संपूर्ण विषय वस्तु को लेकर हमें पठन अध्ययन और अध्यापन कार्य करना है। और संपूर्ण शिक्षण उद्देश्य का आदेश एवं मापन उसमें जो व्यापक उसे कहेंगे जिसमें सब जिसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि कक्षा आठ में 10 पाठ हैं और 10 पाठ में प्रश्न पूछ जाते हैं तो ये व्यापक मूल्यांकन नहीं है। व्यापक मतलब जो पाठ दिए गए केवल 10 पाठ में से प्रश्न दिए जाए या 5 में दिए जाए तो वो व्यापक मूल्यांकन नहीं होगा, वो मूल्यांकन व्यापक कभी नहीं कराया जा सकता। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि मूल्यांकन की जितनी विशेषता दी गई है उसकी सभी पहलुओं को हमें छूना है। उसके बाद है व्यवहार गम्यता। व्यवहार गम्यता के अंतर्गत साथियों हम ये बात समझ सकते हैं कि ऐसी परीक्षा जो अधिक से अधिक छात्र दे सके, ऐसी परीक्षा प्रणाली जिसमें अधिक से अधिक विद्यार्थी उपस्थित हो सके, जिनका परीक्षा के प्रति भय समाप्त हो जाए और वो परीक्षा में बिना किसी भय के बिना किसी झिझक के उस परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाए, तो ये परीक्षा प्रणाली व्यवहार गम्यता के अंतर्गत आएगी। साथियों, ठीक उसी प्रकार से परीक्षा के निर्माण में अधिक समय अधिक शक्ति एवं अधिक श्रम का और अधिक धन का व्यय नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी मेहनत, हमारा परिश्रम, हमारी शक्ति, हमारा धन और हमारा समय ये सभी चीजें बचनी चाहिए, तो वो परीक्षा व्यवहार गम्यता के अंतर्गत आएगी। यदि हम परीक्षा में बैठ रहे हैं और समय, शक्ति, धन और सभी चीज़ें खर्च हो रही हैं तो वो परीक्षा व्यवहार गम्यता नहीं होगी, केवल एक औपचारिकता ही पूर्ण करेगी। तो साथियों, हमने आज के वीडियो अध्ययन के माध्यम से मूल्यांकन विशेषताओं के बारे में समझा। शेष रहे बातों पर हम फिर से चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो व्याख्यान में इतना ही, हम फिर मिलेंगे वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।